कप जीत गया, अब तो कोई नहीं बोलेगा कि इंडिया छोकर है, इंडिया ये है, इंडिया वो। तो मेरे घंटो निकोबार पकड़ के बजा दी आज। वर्ल्ड कप विन कर लिया है, इस वक्त जो है पूरी की पूरी आवाम रोड्स पे निकल आई है, जश्न का समय है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जश्न का समय है, इंडियन फैंस को, इंडियन जो लवर्स हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के जो लवर्स हैं, वो भी अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने तौर पर पाकिस्तान में कर रहे हैं। विराट कोहली ने आज बहुत अच्छा खेला, जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप में चला, आखिरी मैच में आकर उसने ऐसा धोया, ऐसा धोया, सर्फ एक्सेल की भी जरूरत नहीं पड़ी, सर्फ एक्सेल की भी जरूरत नहीं पड़ी। रोहित शर्मा आज नहीं चला तो विराट कोहली चल गया, जिस दिन विराट कोहली नहीं चला रोहित शर्मा चला। क्या उनकी जबरदस्त दोस्ती रही है। आज इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया 17 साल के बाद। अब पाकिस्तानी टैलेंट हो, पाकिस्तानी बच्चे हो, यूथ हो, क्या फीलिंग है इस वक्त, कितना बड़ा दिन था उनके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया के आप वर्ल्ड कप जीत गए 17 साल बाद। और जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं चलते हैं, वो दोनों ओपनिंग में आउट हो। इंग्लैंड होगी, सालों को बड़ी फेंका पकड़ के, पाकिस्तान को भी बड़ी फेंक दिया। इंडिया ने जीत लिया ये T20 वर्ल्ड कप का टाइटल, और वाकई ही इस टाइम T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी जॉइंट और सबसे लीथल टीम, सबसे लीथल बॉलिंग, सबसे लीथल बैटिंग सिर्फ इंडिया ने की है, यह साउथ अफ्रीका भी फिर से चौक कर गई है। साफ साफ कहना, उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान के वाम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। ये वजह नहीं है, 70 साल 72 साल से पाकिस्तान का इंडिया का तनाजे का मुकाबला है। वर्ल्ड T20 का टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम करा लिया है, और जहां पर इंडियन टीम्स में कुछ शरारती खिलाड़ी हैं, वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करती है। हम बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली पिछले 2-3 मैचेस में नहीं चल रहे थे, और मैंने कहा था कि अगर बड़े मैचेस में नहीं चलेंगे तो ये एक सिग्नल होगा और ये ज़ाहिर एक अलार्मिंग होगा, लेकिन आज के मैच में, फाइनल मैच में 76 रन स्कोर किए 59 बॉल्स पर। वहीं उस बड़े खिलाड़ी ने आज ये भी बता दिया कि मेरा लास्ट T20 का वर्ल्ड कप है और लास्ट T20 मैच है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। मैचेस में नहीं चल रहे थे और मैंने कहा था कि अगर बड़े मैचेस में नहीं चलेंगे तो ये एक सिग्नल होगा और ये ज़ाहिर एक अलार्मिंग होगा, लेकिन आज के मैच में, फाइनल मैच में 76 रन स्कोर किए 59 बॉल्स पे। वहीं उस बड़े खिलाड़ी ने आज ये भी बता दिया कि मेरा लास्ट T20 का वर्ल्ड कप है और लास्ट T20 मैच है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहां से और यहां से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा, लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए, तो ही इज द मैन। देखिए, आप पूरा उनका सेटअप तो उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, BCCI का, जैसा अभी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वो सेटअप इतना स्ट्रांग है। इस वर्ल्ड T20 के फौरन बाद जिम्बाब्वे के टूर पे जाना है टीम ने, उसमें जो ये वर्ल्ड T20 की टीम खेली है उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं जिन्हें एक मैच भी नहीं मिला, उनमें संजय सैमसन है और जसवाल है, बाकी सारे नए प्लेयर लेकर आ गए। सारे जितने भी वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहे हैं, उन सबको आराम दे दिया उन्होंने। उन्होंने पता है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल उन्होंने ना रोहित को ज़्यादा खिलाया है, ना कोहली को ज़्यादा खिलाया है, ना बुमराह को ज़्यादा खिलाया है, वो अपनी टीम को बनाते गए। नहीं करेगी जिस तरह की साउथ अफ्रीका बॉलिंग कर रहा था, या जो कोलैप्स इंडिया के ऊपर से हो गया था, फिर एक बंदा आया जिसका नाम है विराट किंग कोहली, बजा दिया, पकड़ गया वैस भाई, उसने बजा दिया घंटा पकड़ के। इधर हमारा वो नकली 2 टके का शैंपू वाला किंग, घंटे का किंग होता तो वो क्या करता। आप मुझे बताओ कि अगर इधर बाबर आजम होता, उसने तो पेश करा देनी थी। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान फाइनल खेल रहा था तो भाई ऐसी सिचुएशन थी,
बाबर आजम ने बो वाली टट्टी की थी और बाबर जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। रोहित फेल हुए, हालांकि कोहली ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था उससे पहले, विराट कोहली का तगड़ा स्टार्ट, फिर रोहित शर्मा पांच चौके आए, फिर जिसको कहते हैं ना आपका रोहित शर्मा आउट हुआ, फिर ऋषभ पंत जिस तरह से धोखा देके गया, मैं तो कुछ कह नहीं सकता ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत टीम है और एक ऐसी टीम है जिसके अंदर नजर आता है कि मिलके खेल रहे हैं, सही ठीक है, हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे नहीं खेल रहा, मिलके खेल रहे हैं, मिलके एफर्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और जीत रहे हैं, वो डिजर्विंग है और उन्हीं को जीतना चाहिए। पैसे दे के पहुंचा है। अच्छा हाँ जी, ये इंडिया दे के पहुंच लो ना, मेरी जान मेरी बात के आगे आया है, ऐसे थोड़ी आ गया। देखो मेरी बात सुनो, आप भी पैसे दे के आ जाओ, मसला ये आपके पास पैसे भी नहीं है, गेम पैसे की है इसलिए इंडिया फाइनल में पहुंच गया, नहीं तो इंडिया में इतना अच्छा। दमखम नहीं है जो अच्छा। पाकिस्तान को हरा सकता। फिर हम लोग कैसे हार गए? मनी को ना उधर बॉर्डर पे रखे हाँ। हाँ। वहाँ पे लड़ लें, गेम को गेम रहने दें, गेम को गेम के तौर पे एंजॉय करना चाहिए। जा रहे हैं जंग लड़े, हम पहुंचे बॉर्डर पे ग्रेनेड ग्रनूड बांध के। मैटर बड़े होते हैं वहाँ विराट कोहली कड़े होते हैं। मैंने प्रिडिक्शन किया था कि आज दिन है विराट कोहली का, नहीं तो मैं रोहित शर्मा का भी नाम ले सकता था, किसी का भी। मुझे पता था कि विराट कोहली का बल्ला आज चलेगा और बढ़िया तरीके से चलेगा। तो दोस्तों 59 पे 76 रन्स की पारी के लिए है, दो छक्के और छह छक्के दागे हैं उसने, साथ में बापू अक्षर पटेल ने 31 पे जो है 47 बनाए हैं, बहुत बढ़िया। 180 तो नहीं हुआ स्कोर, लेकिन भैया ये स्कोर 176 भी कम नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा स्कोर है हिंदुस्तान की फील्डिंग और बॉलिंग को देखकर। विराट कोहली, तो आखिरकार विराट कोहली ने इंडिया को रेस्क्यू किया। बहुत सारे लोग कह सकते हैं स्लो खेला ये खेला, नहीं भाई, फाइनल का स्टेज हो, फाइनल जैसे बड़े स्टेज में विराट कोहली की ये बहुत मैच्योर सेंसिबल बारी इंडिया को यहां पर लेके आई है। उसके साथ इक्वली मैं बोलूंगा अक्षर पटेल, मुश्किल कंडीशन है, विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहा है, बड़े तीन बल्लेबाज चले गए वहां, अक्षर पटेल जैसा बंदा जो कि हालांकि एक ऑलराउंडर है बट आके बल्लेबाजों से अच्छी बल्लेबाजी। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, जहां पर रोहित शर्मा नहीं टिक पाए वहां पर जो है विराट कोहली ने अपना फतवा लहरा दिया। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया के नाम हो चुका है, इसको लेकर पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, तो कई पाकिस्तानी इसको लेकर रो रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान का रोना धोना तो हमेशा से ही लगा रहता है, आपने पाकिस्तानी रिएक्शन देख लिया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।